हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीजों को दिन भर में कितनी बार खाना खाना चाहिए। और दोस्तों आज हम ये भी बात करेंगे कि खाना खाने के समय किन नियमों का पालन करें डायबिटीज़ के मरीज, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो, और अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। और आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खाने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उन्हें खाना कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में डायबिटीज़ के मरीज जो है वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। उन्हें आइडिया नहीं रहता कि कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 6 बार खाना खाइए, कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 5 बार खाइए, तो वास्तविकता उन्हें नहीं पता चलती। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं, और हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज वास्तव में कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना खाएं जिससे कि उनका ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहे। दोस्तों आज के वीडियो में हम खाना खाने से संबंधित 6 नियमों के बारे में बात करेंगे, और अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल खाने से कंट्रोल करना चाहते हैं या बढ़ने नहीं देना चाहते तो आप इन 6 के 6 नियमों का पालन जरूर करें। तो पहले नंबर पर नियम है दोस्तों कि सबसे पहला काम आपको सुबह उठने के बाद आधे घंटे के भीतर कुछ ना कुछ जरूर खाना है, और इसी में ही आप ये समझिए कि सुबह का नाश्ता किसी भी स्थिति में 8:30 बजे से पहले जरूर कर लें। दोस्तों एक नई स्टडी है पिछले 1 महीने के भीतर हुई है कि अगर आप 8:30 बजे से पहले नाश्ता कर लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम ये है कि दोपहर का खाना आपको 12 बजे और शाम का खाना किसी भी स्थिति में 7 से 8 के बीच में आप खा लीजिए। अगर आप नाश्ता जल्दी करेंगे दोस्तों तो दोपहर को भूख भी जल्दी लगेगी, और ऐसी स्थिति में जब आप लंच डिले करते हैं, लंच लेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाने की संभावना बढ़ जाती है, आपका मन करेगा कुछ उल्टा सीधा खाने का, तो उससे बचने के लिए समय से खाना खाइए। फिर शाम की बात करें तो दोस्तों 7 से 8 बजे खाने का लॉजिक ये है कि आप सोने से 2 घंटे पहले किसी भी स्थिति में अपना भोजन निपटा लीजिए। तो 7 से 8 खाइए, टहलिए और आराम से टीवी देखिए। फिर दोस्तों अगले नियम की बात करें कि नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच में कम से कम 2 बार कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए, और जैसे कि इसमें आप फल खा सकते हैं, कोई ना कोई हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, फल बहुत बेहतर रहेगा दोपहर के समय आप अगर खाते हैं तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 4 की, कि लंच तथा डिनर के बीच में भी आप कोई ना कोई हेल्दी स्नैक्स जरूर खाइए, बल्कि हो सके तो 2 बार खाइए। इसके बीच में आप कोई मूंग की दाल का चीला बनवा के खा सकते हैं, आधी कटोरी ओट्स खा सकते हैं, या कोई फल भी खाया जा सकता है दोस्तों, दोबारा आप अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, या कोई भी आपका फेवरेट फल हो, बस उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। फिर अगले नियम की बात करें दोस्तों कि रात को सोने से 1 घंटा पहले आप बिना क्रीम वाला दूध जरूर पिए, यानी दूध आपके लिए एक बहुत हेल्दी डाइट है दोस्तों। और अगर आप रात को कोई और दवाई भी खाते हैं, चाहे डायबिटीज़ की खाते हो, तो उसे सोने से 1 घंटा पहले ज़रूर खा लें, यानी सोने से तुरंत पहले कोई दवाई ना खाएं, इससे भी आपका सुबह वाला जो ब्लड शुगर लेवल है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर बात करें अगले नियम की, कि रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आदत डालिए, इसके लिए कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं दोस्तों तो आपका ब्लड शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।